एक दिन भी हुकूमत जो है यहां नहीं रह सकती थी। अगर हुकूमत झंडे के जोर पर मसाजिद बंद कराती तो इन लोगों ने हुकूमत को यह रास्ता दिखाया। ये कोई दारुल कुफर है कि यहां दो ही ऑप्शन थे, ये दारुल इस्लाम है। हालात हाजरा में ये जो करोना की वजह से दीन पर हमला हुआ है उसमें यानी नमाज तरावी का तकद्दस पामाल है, जो लोग सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, तो 14 सदियों में ये बिदत कहीं नज़र नहीं आती। जो कुछ लोगों की कुछ उलमा की कोताही की वजह से इस वक्त दीन का नुकसान हो रहा है, यानी जो ये कहते हैं कि दो नुकसान थे, दोनों में से हमने जो छोटा नुकसान है वो कबूल कर लिया। एक ये नुकसान था कि मस्जिदें बंद हो जाती, दूसरा ये है कि तरावी हो तो सही अगर इस तरीके से हो। तो मैं पूछता हूँ ये कोई दारुल कुफर है कि यहाँ दो ही ऑप्शन थे, ये दारुल इस्लाम है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन ये है कि मस्जिदें खुली रहेंगी, जमात होगी, नमाज होगी, जिस तरह 14 सदियों से हो रही है। ये दो ऑप्शन क्यों बोले जाते हैं कि सिर्फ दो ऑप्शन ही थे और हम मजबूर हो गए थे और हमने ये जो है वो कम नुकसान मान लिया। ये 20 लाख शहीदों के खून पे बनने वाली सल्तनत है जो नज़रिया इस्लाम पे बनी है, यहाँ कैसे दो ऑप्शन हैं? यहाँ सबसे पहला और फाइनल यही था कि जिस तरह जमातें होती हैं, किसी हुकूमत को हक नहीं कि वो मस्जिद में मुदाखलत करे, इबादत में मुदाखलत करे। और हुकूमत तो अब वो कहती है उलमा ने फतवा दे दिया है तो हमने ऐसा किया, वो तो सारा उलमा के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, हमने वैसे नहीं करना था, इन्होंने हमें ये तरीका बताया कि ऐसे करना चाहिए। और उलमा कहते हैं हमने जो अकल गलती थी, छोटा नुकसान, वो कबूल कर लिया। तो ये इस सदी की वो लग्जश है जो इन तमाम उलमा को जिन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर वादे करके करोड़ों लोगों की नमाजें ख़राब की हैं, इन्हें क़यामत के दिन भी जवाब देना पड़ेगा। छोटे छोटे महल्लों में मसाजिद में जाकर पुलिस वाले मसाजिद में नमाजियों पर जाकर तशद्दुद कर रहे हैं, नमाजों के लिहाज से दखल अंदाजी कर रहे हैं। और यानी जैसे कोई बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों की जमात पर यहूदी आके हमला कर दें, इस तरह के मनाजिर इस सल्तनत के अंदर, जैसे मकबूजा वादी कश्मीर के अंदर लोगों को नमाजों से रोका जाता है, ये सूरत हाल अगर ये उलमा इस तरह का फतवा ना देते, मुआहदा ना करते, तो क्या मजाल थी हुकूमत की कि वो मसाजिद बंद करके दिखाती। ये सऊदी अरब नहीं है, ये पाकिस्तान है। सऊदी अरब का नारा नहीं कि सऊदी अरब का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का नारा है पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक दिन भी हुकूमत जो है यहां नहीं रह सकती थी। अगर हुकूमत झंडे के जोर पर मसाजिद बंद कराती तो इन लोगों ने हुकूमत को यह रास्ता दिखाया और इस तरह यानी लेटते चले गए। और हर लिहाज से एतिकाफ के मसले पर लोगों को बिलखुसूस ये बात जहन में रखनी चाहिए कि घरों में बीबियों का एतिकाफ होता है, मर्दों का नहीं होता। तो मर्द मर्दानगी से मसाजिद में एतिकाफ करें, और मसाजिद से अल्लाह की मस्जिदों से जो पुलिस वाला किसी को निकालेगा तो वो यहाँ भी खुमियाजा भुगतेगा, आखिरत में भी भुगतेगा। मसाजिद मोमिन के लिए मरकज़ अमन है, मछली को इतना चैन पानी में नहीं आता जितना मोमिन को मस्जिद में आता है। तो ये कौन सी सूरत हाल है कि जिसमें मुसलमानों से ये अमन के मरकज़ जो हैं वो छीन लिए जाएँ। तो इस बुनियाद पर एतिकाफ के लिए मस्जिद का होना ये इजमा से साबित है। दुनिया में लगाने निकले हैं।